हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग 2023 में नया साल में आप कैसे पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीएफ के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और यहाँ पर आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अप्लाई करना है, उसका ही कॉम्प्लीट डिटेल्स मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिए, फास्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते और आप लोगों को दिखाते हैं 2023 में पीएफ के लिए ऑनलाइन से आपको कैसे अप्लाई करना है, उसका ही कंप्लीट प्रोसेस। फ्रेंड्स, पीएफ के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पहले इस पेज में आना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। ये ऑफिशियल पेज में आने के बाद आपको ऊपर में सर्विस एक ऑप्शन मिलेंगे, सेकेंड ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, यहाँ पर आपको सेकेंड एक ऑप्शन मिलेंगे मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा नया पेज ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली यूएन नंबर और पासवर्ड कैप्चा कोड देके साइन इन करना है। तो आप यहाँ पर पहले आपके यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड देके साइन इन करिए। और आप अगर पासवर्ड भूल चुके हो तो आपको फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके आपका पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आप एक क्लेम कर सकते हो, नहीं तो एक क्लेम आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए। और इस क्लेम करने के लिए आपको बैंक की पासबुक आपके पास होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर स्कैन करके आपको देना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली वो लिखना है पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। और आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर में अगर काम करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका भी पीएफ कटते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपका जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको साइन इन वाले बटन में आपको सिंपली क्लिक करना है। साइन इन बटन में क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, यहाँ पर आपको लेटर बटन में क्लिक करना है। लेटर बटन में क्लिक करने के बाद ऊपर में ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन मिलते हैं। ऑनलाइन सर्विस में आपको क्लेम फॉर्म 31-19-10C-10D फॉर्म मिलेंगे, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। फॉर्म 31 आपको एडवांस के लिए, 10C आपको पेंशन के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, यहाँ पर आपका सिंपली आपका जो बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपके आपके पीएफ में दिया हुआ है, वही बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर सिंपली डालना है। तो आप वही बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए जो पीएफ अकाउंट में है। डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई बटन में क्लिक करना है। वेरीफाई बटन में क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएंगे। इस पॉपअप में दिखा रहा है ये जो बैंक अकाउंट है, ये आपके जो पीएफ अकाउंट में सेम बैंक अकाउंट है। इसके लिए आपको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। सेम बैंक अकाउंट है, इसके लिए आपको इसको येस करना है। ठीक है, इसी अकाउंट में आप क्लेम लेना चाहते हो, इसके लिए आपको येस करना है। यहाँ पर आपको ग्रीन टिक दिखाई देगा, उसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम में क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर्म ऑनलाइन क्लेम में क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा कुछ पेज आएंगे। इस पेज में आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मैं अभी एसी फॉर्म को कर सकता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको जो भी जॉब करते हो उसके हिसाब से आपका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो भी सर्विस कंपनी या नॉन कंपनी में जॉब करते हो या गवर्नमेंट सर्विस करते हो, आपके यहाँ पर वो शो हो जाएंगे। आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना है, जिस भी कंपनी से पैसा उठाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको रीज़न देना है क्यों आप यहाँ पर पैसा उठाना चाहते हो। जैसे यहाँ पर और आउटब्रेक कोविड पैंडेमिक के ऑप्शन है, इलनेस का ऑप्शन है, नेचुरल क्लाइमेट, पावर कट है, मैरिज है, हायर एडुकेशन के लिए, किस चीज़ के लिए पैसा इस पैसे को उठाना चाहते हो, आपको वो यहाँ पर रीज़न आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं इलनेस के लिए, इलनेस मुझे सिलेक्ट करना है। कितना पैसा आपको उठाना है यहाँ पर आपको देना है। तो मुझे यहाँ पर 25,000 रुपीज़ उठाना है। तो आपको यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है। आप ये ध्यान रखो, आपका जो भी पैसा पीएफ अकाउंट में है उसके हिसाब से आपको 70-75% पैसा आपको यहाँ पर आप उठा सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा आप उठा नहीं सकते हो। तो आपको अमाउंट देना है, नीचे एम्प्लॉयमेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। अगर बैलेंस चेक करना है, यहाँ पर आपको व्यू में पासबुक का एक ऑप्शन मिलता है, पासबुक में क्लिक करके आप आपका बैलेंस यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो पहले आप यहाँ से बैलेंस चेक कर लीजिए, पासबुक से बैलेंस चेक करने के बाद ही आप अमाउंट यहाँ पर दीजिए, 70-75% पैसा जो भी आपका जमा हुआ है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट एड्रेस यहाँ पर देना है, आपका एड्रेस दीजिए।
यहाँ पर आपकी पूरी एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, आपके लिस्ट में से स्टेट सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। उसके बाद सिटी का नाम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, आपका पोस्टल पिन कोड आप डालिए। पोस्टल पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो बैंक पासबुक है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपका जो बैंक पासबुक है जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB से लेके 500 KB के अंदर आपको वो बैंक पासबुक स्कैन करके अपलोड करना है। और बैंक पासबुक में अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपका अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, या कैंसिल चेक भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। चूज फाइल में क्लिक करके आपका जो भी बैंक पासबुक है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद व्यू में क्लिक करिए, आपको बैंक पासबुक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बैंक पासबुक एक बार चेक करने के बाद क्लोज बटन में क्लिक करिए, आपको नीचे आना है। तो मुझे यहाँ पर एड्रेस थोड़ा चेंज करना है, एड्रेस चेंज कर लीजिए। उसके बाद नीचे आने के बाद इस बॉक्स में आपको चेक करना है। उसके बाद गेट आधार OTP में आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अटैच है वही नंबर पे आपको OTP जाएंगे। वो फोन नंबर आपको ऊपर में देखने को मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट, इसी नंबर पे आपका OTP जाएंगे। वही OTP आपको यहाँ पर डाल के सबमिट क्लेम फॉर्म में आपको क्लिक करना है। अगर OTP नहीं जाते हो तो आपको दूसरी बार यहाँ पर रिसेंट OTP में क्लिक करके आप OTP रिसेंट यहाँ पर कर सकते हो। तो OTP मेरे मोबाइल में जो है आ चुका है, वही OTP में जो यहाँ पर डालना है। तो चलिए OTP यहाँ पर डाल लेते हैं, 6 डिजिट का OTP। OTP डालने के बाद आपको सबमिट क्लेम फॉर्म में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो OTP हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेट, PF एडवांस क्लेम सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पर क्लिक हियर में क्लिक करके आप इस PDF फॉर्मेट को, पहला जो पेज है इस पेज को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि इस पेज से आप बाद में स्टेटस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्टेटस चेक करने के लिए आपको पहले से वही पेज में, आपको पहला पेज में आना है स्टेटस चेक करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्विस बटन में आपको फॉर एम्प्लॉय ऑप्शन में क्लिक करना है। फॉर एम्प्लॉय ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है मेंबर UN ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन में आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने वही पेज आएंगे। यहाँ पर आपका UN नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको साइन इन बटन में क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर UN नंबर डाल दीजिए। UN नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है, जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद साइन इन बटन में क्लिक करके आप इसको लेटर बटन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस आपको जाना है, जहाँ पर आप क्लेम किए थे यहाँ से क्लेम करना है। नीचे यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस में आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते आप यहाँ पर देख सकते हो मैं अभी जो अप्लाई किए थे वो फॉर्म 31 यहाँ पर आ चुका है, डेट भी आपको दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको क्लेम सबमिट एट पोर्टल यहाँ पर ऑप्शन है, जब भी एक क्लेम सबमिट हो जाएंगे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लेम सेटलमेंट दिखाई देगा और यहाँ पर डेट भी आपको दिखाई देगा। फील्ड वेरीफाई फील्ड ऑफिस में, और यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आपको पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको PF अकाउंट से आपको पैसा उठाना है, बहुत आसान और इजी तरीके से।